हाय एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। एंड आज का एक वीडियो एक दूसरे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है कि बहुत सारे लोगों से जब भी हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मतलब या तो वो पीआर लेके आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया या वो आने वाले हैं ना, तो एक बहुत ही मन में एक दुविधा होती है कि मतलब वो अकेले आए यहाँ पर या फैमिली के साथ में आए हैं ना। तो मैंने कुछ दो तीन सिनेरियोज बताए हैं यहाँ पर, तो सिनेरियो के बेस पे आप अपना जो डिसीजन है उसको आप लोग जो है चूज़ कर सकते हैं कि शायद आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। तो एक सिनेरियो तो ये होता है कि एक आप हैं और आपकी वाइफ हैं ना, आपके किड्स नहीं हैं, आप दो लोग हैं और दोनों लोगों के ही जो है जॉब ढूंढनी है ना। एक तो पॉसिबल सिनेरियो ये है और एक ये है कि दोनों में से एक को जॉब ढूंढनी है, यानी कि हस्बैंड को जॉब करनी है और वाइफ जो है हाउस वाइफ रहनी है, तो उस केस में किया जाए। और तीसरा पॉसिबल सिनेरियो ये होता है कि जो है हस्बैंड वाइफ और आपके जो है एक दो अगर बच्चे भी हैं तो फिर मतलब किया जाए कि साथ में आया जाए, या फिर उनको जो है हम अकेले भी आ सकते हैं उस टाइप से, तो फिर उस केस में मतलब किया जाए। तो हम पहले नंबर वन पे हम बात करते हैं कि अगर आप हस्बैंड को अगर जॉब करनी है, वाइफ को अगर जॉब नहीं करनी है तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है सिंगल ही आएँ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। उसका बहुत बड़ा रीज़न है यहाँ पर, क्योंकि ये जॉब का जो मार्केट है यहाँ पर आपको पता नहीं है, मतलब आपकी जॉब कब तक नहीं लगेगी, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकती है जो आप एक प्रोफेशनल जॉब ढूंढ रहे हैं ना, और 1 महीने भी लग सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे लोगों को लग जाती है, बहुत सारे लोगों को नहीं लगती है। अभी बहुत ही टफ सिनेरियो हो गया है जॉब का ढूंढने का। मैंने ऐसे लोगों को देखा है यहाँ पर जो इंडिया से 10-10 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं और उनको यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है, वो भी ऐसी फील्ड में जैसे कि आईटी और जो है ना इस टाइप की फील्ड में, मतलब जिसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, उस फील्ड तक में उन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है। तो एक तो यही है कि आप जब सिंगल आएंगे तो आप एक रूम लेके आप शेयरिंग में आप रह सकते हैं इनिशियली, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे इनिशियली, क्योंकि जब आपका माइंड फ्री होगा तभी आप सही से जो है जॉब ढूंढ पाएंगे। और जॉब ढूंढने का भी यहाँ पर क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, इंडिया की तरह नहीं है कि आपने एक सीवी बना लिया और वो सीवी आपने जो है सबको आप ईमेल किए चले गए ना। हर एक इंडिविजुअल जो एक बंदे की जो नीड होती है एक एम्प्लॉयर की, उसको आपको एड्रेस करना पड़ता है, तो उसमें ही आपको बहुत टाइम लग जाता है एक एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो एक दिन में एक जो बंदा है वो शायद एक एप्लीकेशन भी सही से अप्लाई नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। कभी कभी आप एक दो भी कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं, मगर मोस्टली होता यही है। तो उस केस में आप सिंगल आइए, आप पहले एक रूम ले लीजिए शेयरिंग में, और उसमें और भी चीज़ें होंगी, या फिर आप ऐसे लाइक पेइंग गेस्ट ले लीजिए, तो बहुत सारे लोग क्या होता है कि आपको जो खाना भी दे देंगे आप वहाँ पर रह सकते हैं, एक सेपरेट रूम होगा आपका। तो मोस्टली होता क्या है कि जो इंडियंस हैं हमारे यहाँ पर, इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी या नेपाली, मतलब जो हमारे देसी भाई बहन हैं, तो उनके यहाँ पर आपको ऐसा एक रूम मिल जाएगा और फिर आप जो है अपनी जॉब ढूंढ सकते हैं, वो भी आप बहुत ही कम पैसों के अंदर। ये एक बेस्ट सिनेरियो रहेगा। और जब आपकी जॉब लग जाए, आप सेटल हो जाएं, आपने सारा काम सेट कर ले यहाँ पर, फिर आप जो है अपनी वाइफ को आप जो है बुला सकते हैं। और नंबर दो सिनेरियो ये है कि आपको दोनों ही लोग हैं हस्बैंड वाइफ और दोनों को ही जॉब ढूंढनी है, तो मैं कहूँगा कि आप दोनों ही लोग आएँ और फिर आप जहाँ पर जो है जॉब को आप लोग जो है ढूंढ सकते हैं। उसमें होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि आपको जॉब मिल जाती है, मतलब आपको मिल जाती है, आपकी वाइफ को नहीं मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि वाइफ को मिल जाती है और हस्बैंड को नहीं मिल पाती है ना। अभी मेरे एक नॉन बंदे हैं, उनको शायद 12-15 साल का एक्सपीरियंस था इंश्योरेंस में इंडिया से, और वो जब यहाँ मूव किए तो उनको जॉब नहीं मिल पाई, मगर उनकी वाइफ को एज ए टेम्प्रेरी जॉब मिल गई थी 2 दिन वीकली करने की, तो जो उनके पैसे आ रहे थे तो उनका घर जो है चल जा रहा था, उन्होंने घर ले लिया था, है ना। और घर लेने में भी एक प्रॉब्लम ये होती है, आपको कोई भी घर देना नहीं चाहेगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे अभी जो है ना, और आपका क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगा, मतलब बैंक के पास कोई इतना क्रेडिट नहीं है कि आपकी सैलरी इनकम कितनी है, क्या जो है ना आप उसको रेंट टाइम पर दे पाएंगे, क्योंकि वो भी ऐसे बंदे को ही देखता है जो एजेंट होता है कि जो इसकी रेगुलर इनकम हो और जो है रेंट दे सकता हो, वो उसी को जो है वो घर देता है, बाकी फिर शायद वो घर देना पसंद नहीं करते हैं मतलब ऐसे न्यू बंदे को। तो एक ये भी है, मगर अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और दोनों अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, दोनों को अगर स्ट्रगल करना है साथ साथ कीजिए, आप दोनों लोग आइए और डेफिनेटली एक न एक का लक मतलब जो है काम कर जाएगा और एक को जॉब मिल जाती है, दूसरा फिर जो है उसको जो है सपोर्ट कर सकता है। और तीसरा पॉसिबल सिनेरियो ये होता है, मैंने एक सिनेरियो और यहाँ पर देखा था कि अगर आपका किड है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही जो है जॉब करनी है, और आपका बच्चा भी अगर छोटा है, वैसे यहाँ पर जो है चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं वहाँ, मगर इनिशियली जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, वो कम से कम शायद $1,000 समथिंग जो है मंथली
खर्चा हो जाता है और वो जो है ना आप दोनों ही लोग जॉब ढूंढेंगे, बच्चे कोई केयर करने वाला नहीं होगा। तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि शायद आप अपनी आपकी अगर पेरेंट्स हैं या कोई हैं तो उनमें से मदर को या किसी को साथ में लेके आ गए। एक मुंबई से एक फैमिली आई थी तो मैंने जो देखा था उनको, तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे और दोनों ही लोगों ने जॉब ढूंढना शुरू किया। तो उनकी वाइफ को उनकी भी लग गई थी, हस्बैंड की शायद वो ढूंढ रहे थे, और तो वो अपनी मदर को लेकर आए थे। तो मदर जो था उनका जो बच्चा था उसको टेक केयर कर लिया करती थी, पास में ही जहाँ स्कूल था उन्होंने वहीं पर जो है अपना घर लिया था थोड़ी सी वॉक पे ही। तो उनकी मदर जो थी वो स्कूल से जो है उसको छोड़ाती थी, स्कूल से उसको ले आती थी, उसका मतलब ख्याल करती थी, और वो बाकी दोनों लोग जो है स्ट्रगल कर रहे थे एक फुल टाइम जॉब के लिए, है ना। तो ये पॉसिबल सिनेरियोज हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। मगर बेस्ट यही है कि आप पहले अकेले आएँ, पहले सेट हो जाएँ, सारा काम सही हो जाए, आप यहाँ ये घर ले लीजिए, कार लेना है या सारा सामान आपको बाय करना है, सारी चीज़ें आप ले लीजिए, फिर आप जो है अपनी फैमिली को लाइए। तो आप देख लीजिए कौन सा सिनेरियो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और एक यही है कि जो है ना घर जो है मिलना इतना इजी भी नहीं होता है। आप लोगों को शायद लगे अगर आपका कोई अगर रिलेटिव नहीं है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो फिर घर मिलना भी बहुत ही एक टफ काम है यहाँ पर, है ना। और कोई भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।